वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संगतां नूं बेनती है कि जितने भी संगतां जिथों तक भी आवाज़ जांदी आवाज़ सुन रही है, सारिआं नूं बेनती है कि गुरु दरबार विच पहुँचण दी कृपालता करन, क्योंकि समां बार बार नहीं मिलदा। पंथ प्रवानित जथे पहुँच चुके हैं, सो बाद विच कई बार आपां अफसोस हो जाता है कि आपां इस जथे का कीर्तन सारंग करना सी, पर आपां कई कम्मां कारां करके लेट हो जाते हैं। सो हूँ आप संगतां नूं बीबी बलजीत कौर जी अद्धे घंटे वास्ते रसपिना कीर्तन सरवण कराउणगे। सो सारियां संगतां नूं बेनती है कि जल्दी तों जल्दी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच पहुँचण दी कृपालता करो, तां जो आपां अपने समय का वध तो वध लाहा लै सकीए। उन्हां तों बाद भाई भुपिंदर सिंह जी आनंद दिल्ली वाले, वो आप संगतां नाल गुरबाणी की सांझ पाउणगे। सो संगतां नूं बेनती है कि जितना भी छेती हो सके गुरु दरबार विच पहुँचण की कृपालता करो। आओ आपां सारे ही बीबी बलजीत कौर वासों 7:15 बजे तक कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोदा निगमान रहे सत्संगी जनों, आओ सारे मिलजुल के फतेह दी सांझ करिए। करो कृपा जी, बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहिब जी ने कृपा की है, रहमत की है। हर साल का ये विशेष गुरमत समागम धन धन श्री गुरु रामदास जी के आगमन पुरब के संबंध में जो
सिख पंथ के महान कीर्तनीय भाई साहब भाई बलविंदर सिंह जी रंगीला उन्होंने भरा भाई सुरिंदर सिंह जी रंगीला और उन्होंने बेटे कीर्तनी जथा भाई गुरसेवक सिंह जी समूह सहयोगी प्रबंधक सज्जना दे संगत दे सहयोग दे नाल होर बड़े गुरमत अनुसार जो कार्य भाई साहब जी ने आरंभे हैं गुरु की कृपा सदका सारे निभा रहे हैं। सो सानू माण है एक साडे कीर्तनीए जिन्हों तो सतगुरु जी होर बहुत ही सेवावां लै रहे हैं पर खुशी की गल के सोहदा रह रहा साहब जी के समय और कीर्तन दरबार की प्रारंभता से आप संगतां की बहुत गिनती है क्योंकि कई बार जो पंडाल प्रोग्राम शुरू हो संगतां नहीं होंदियां थोड़ियां होंदियां पर जिवें आप जी बैठे हो बड़ा मन खुश हो रहा। गुरु कृपा करे अरदास भाई साहब जी ने जो गुरु साहब जी की कृपा सदका ये प्रोग्राम शुरू किया है इस तरह चढ़ती कला च जाए आओ उन्होंने साडा ध्यान रखा क्योंकि सैटरडे का दिन इस तरह ही होंगे कि सानू होर भी प्रोग्राम करने पैंदे पर सानू माण है रंगीला जी ने जदों भी बेनती करिए कि वीर जी सानू आ समा दे दिओ ते साडा ख्याल रखते आओ असी उन्होंने स्नेह करते हैं। आप संगतान के प्यार सदका धन धन श्री गुरु रामदास जी दीसा लैन वास्ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी जुड़ बैठे हैं। आओ गुरबाणी कीर्तन न जुड़िए मेरी बेनती है सारे ने जपना कोई भी रसना बन जी वाहे गुरु वाहे गुरु
कोटानुकोट धनवाद। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का मेरे सतगुरु जी ने बड़ी कृपा की रहमत की। इस सलाना विशेष गुरम समागम बो जो बहुत ही लंबे समय तो चलता आ रहा साहबा ने हाजरी भरन का एक कीमती समा बख्शिया। हिरदे की गहराई जो धनवादी हाँ सिख पंथ के महान कीर्तनी प्रचारक परोपकारी सुभाव भाई साहब भाई बलविंदर सिंह जी रंगीला और उन्होंने होनहार भरा भाई सुरिंदर सिंह जी रंगीला और भाई बलविंदर सिंह रंगीला जी के सपुत्र भाई गुरसेवक सिंह जी जिन्होंने बचपन तो यह तांग सी इच्छा सी कि मैं एक कीर्तनिया बनना कितनी वधिया इच्छा है। सो सतगुरु ने बख्शिश की भाई साहब जी गुरमत अनुसार गुरु रामदास संगीत अकैडमी चला रहे जिथों बहुत ही विद्यार्थी गुरमत संगीत कीर्तन सीख करके अगे वध रहे। गरीब लोड़वंदा दे व्याह होर पता नहीं कितने कारज मेरे सतगुरु जी भाई साहब जी तो लै रहे हैं। बड़ी निम्रता है बड़ा भाई साहब च टिकाओ है जिन्हें भी असी प्रोग्राम देखते हाँ बुक करते हाँ सानू मिलते कदे काल नहीं की। बड़े प्यार दे नाल संगतां नू पूरा समा टका के कीर्तन सरवण करवाते आ रहे उसी दी ही बरकत भाई साहब जी अज उसी तरह ही संगतां विच सत्कार दे नाल विचर रहे। अज भी कितने जदों कीर्तन दरबार होंदे सो भाई साहब जी बारे जरूर पुछदे कि सानू जरूर उन्हां दा टाइम लैके दिओ। सो संगतां दे विच उस तरह प्यार बनिया होया तांग बनी है। साडी अरदास सानू माण है साडे कीर्तनिया एक कीर्तनी होने के नाते अपने आप विच एक संस्था होने के नाते बहुत ही गुरमत अनुसार कार्य कर रहे हैं। सतगुरु जी होर भी हिम्मत बल बख्शिश करन आओ कितनिया संगतां आप कीर्तन दरबार का आनंद माण रहे हो। सतगुरु जी इस तरह चढ़दी कला बख्शिश कर आप सारिया संगतां नूं धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी दे अवतार पुरब दियां लख लख वधाइयां। भाई साहब भाई बलविंदर सिंह जी रंगीला समूह परिवार समूह ही सहयोगी प्रबंधक जिहड़े सहयोग दे रहे सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। पुलां दी खिमा कर देणी करो कृपा बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।